रामपुर में लोकसभा चुनाव के बाद क्या विधानसभा उपचुनाव में भी अखिलेश की नहीं सुनेंगे आजम खान? रामपुर की अपनी विरासत को किसे सौंपेंगे आजम खान? बड़ी बहू बन सकती है दावेदार। रामपुर में अभी तक क्यों नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान? क्या आजम खान अखिलेश के बीच मतभेद बन गई है बड़ी वजह? भाजपा ने आजम खान के सबसे बड़े दुश्मन को बनाया है उम्मीदवार। रामपुर में सपा प्रत्याशी की घोषणा का हो रहा है इंतजार। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए सियासी रण की बिसात बिछ चुकी है, जिसमें भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को लेकर सभी पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। इस बीच आजम खान के बेटे अदीब आजम खान की पत्नी सिदरा अदीब भी चर्चा में है। उपचुनाव में सिदरा अदीब के मैदान में उतरने का कयास लगाए जा रहे हैं। सिदरा के चुनाव लड़ने की अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव के पहले ही एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर उनके ससुर यानी आजम खान कहेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आजम खान ने उन्हें पहले विधानसभा 2022 और फिर रामपुर लोकसभा उपचुनाव में चुनावी राजनीतिक मैदान से दूर रखा। हालांकि इस बार उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा को मुकाम मिल सकता है। इसके पीछे की वजह यह है कि आजम खान की सदस्यता छिन जाने के बाद चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि मैनपुरी में जिस तरह से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की विरासत को खुद के पास सहेज कर रखने का फैसला लिया है, उसी तरह का फैसला आजम खान रामपुर सदर सीट पर भी ले सकते हैं। करीब चार दशकों इस सीट पर वर्चस्व रखने वाले खुद 10 बार विधायक रह चुके आजम खान भी ये सीट परिवार के बाहर नहीं जाने देना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि अभी तक से सपा प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। वही सीट को लेकर राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि सीट को लेकर आजम खान अखिलेश की भी नहीं सुन रहे हैं और बताया जा रहा है कि रामपुर से प्रत्याशी की घोषणा खुद आजम खान करेंगे। ऐसे में प्रबल संभावना बन रही है कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपनी बहू सिदरा अदीब को ही सौंपेंगे, क्योंकि रामपुर के राजनीतिक मैदान में सिदरा जानी पहचानी चेहरा है। आजम खान की गैर मौजूदगी में उन्होंने हाल ही में पूरा कैंपेन संभाल रखा था। बहू सिदरा के प्रत्याशी बनाए जाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पत्नी तंजीम फातिमा अब उग्र संबंधी बीमारियों से ग्रस्त है। ऐसे में उनका अधिक मूवमेंट नहीं हो पाता है। आजम खान की भी तबीयत खराब रहने लगी है। जेल से निकलने के बाद भी वो पहले की तरह स्वस्थ और तेज तर्रार अंदाज में नहीं दिखे हैं। ऐसे में वे अपने परिवार को राजनीति में सेट करना चाहते हैं। सिदरा खान आजम खान के चेहरे को लेकर अभी तक सियासत करती आई हैं, तो आजम खान के पास उन्हें राजनीति में सेट करने का बेहतर प्लेटफॉर्म है। वही अपने परिवार को रामपुर में स्थापित रख पाने का ये भी आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने रामपुर से आजम खान के सबसे बड़े दुश्मन आकाश सक्सेना को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में रामपुर की सीट जहां आजम खान की साख का सवाल है, तो विरासत की जंग भी दिलचस्प होती दिख रही है। एक तरफ जहां सबसे बड़ा दुश्मन है तो दूसरी तरफ कौन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, और इसमें जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।